आज हम बात करेंगे कि क्या सौरभ जोशी इस बॉलीवुड एक्टर के साथ कोलैब करने वाले हैं, क्या ट्रिगर इंसान पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, लक्ष्य चौधरी ने अब किसको टारगेट कर दिया है और एल्विश यादव और न्यूज बॉय के बीच क्या कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्विश यादव और न्यूज बॉय की कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। एल्विश यादव अपने ब्लॉग में एक वीडियो को शेयर कर रहे होते हैं जिसमें न्यूज बॉय की वीडियो चल रही होती है। उसमें ना उन्होंने एल्विश यादव की उस न्यूज को कवर किया होता है जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली सौरभ जोशी को पोक किया है और उनकी न्यू साइकिल वाली वीडियो को टारगेट किया है। एल्विश यादव ने इसमें क्लैरिफाई किया कि उन्होंने किसी भी तरीके से सौरभ जोशी को पोक नहीं किया है और इस बात को भी बोला कि ये वाला जो जिक्र एल्विश यादव ने किया है ये न्यूज बॉय को अपनी वीडियो में कवर करना चाहिए और न्यूज बॉय ने वैसा ही किया और इसकी वीडियो अपनी रीसेंट वीडियो में शेयर भी की है। एल्विश यादव ने जब अपने ब्लॉग में मेरे न्यूज के ऊपर रिएक्ट किया वो कहे कि वो पोक नहीं करा। न्यूज बॉय भाई इसको कवर करो कि मैंने पोक नहीं करा, मैंने बस बोला। क्रिकेट इंसान पहुंच सकते हैं पाकिस्तान। क्रिकेट इंसान अपनी फैमिली के साथ तुर्की पहुंचे हुए हैं। अब वहां पर उन्हें एक पाकिस्तानी फैन मिल गया जिसने क्रिकेट इंसान और फुकरा इंसान दोनों को पाकिस्तान में इनवाइट किया है, जिसको लेकर क्रिकेट इंसान ने कहा कि उनकी जो ऑडियंस है वो 20-25% पाकिस्तान से है तो वो पाकिस्तान जाना कंसिडर भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ जाते हैं या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। भाई तू जो बोलेगा वो करूंगा मैं। तो पाकिस्तान है। तू मेरे को पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है। 20-25% ऑडियंस मेरी जो है वो पाकिस्तान से है। बात तो सही है, आना तो बनता है। लक्ष्य चौधरी ने टारगेट किया रणवीर अलाहाबादिया को। लक्ष्य चौधरी ने एक ट्वीट को शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि कई लोग जो कहते हैं कि हमारी 35 लोगों की टीम है, हम AI से स्क्रिप्ट लगाते हैं, एक वीडियो का जो प्रोडक्शन का खर्चा है वो 1 लाख आता है और 5 लोग जो है वो डिसीजन लेते हैं, ये सब लोग फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने 3 लोगों के साथ एक चैनल की 6 वीडियो में ही 90K सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं और एक वीडियो सिर्फ 5,000 के बजट में बनी है। उन्होंने उन यूट्यूबर्स को टारगेट कर ये भी कह दिया कि बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। क्या आप लक्ष्य की इस बात से एग्री करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ध्रुव राठी पहुंचे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक। ध्रुव राठी ने फाइनली 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है यूट्यूब पर कंप्लीट कर लिए हैं, जिससे रिलेटेड एक ट्वीट भी उन्होंने शेयर किया है और साथ ही एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी शेयर की। इनके अभी तक जो यूट्यूब की जर्नी थी वो काफी अप्स एंड डाउन्स और कॉन्ट्रोवर्सीज से भरी हुई थी। जोशी कर सकते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कोलैब। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी की शादी हुई है तो उन्होंने एक फोटो को भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था जिसके नीचे सौरभ जोशी ने भी कमेंट किया और कहा कि बिग सरप्राइज कमिंग सून। अब इससे ना कई अजम्पशन स्टार्ट हो गई कि आखिर ये सौरभ जोशी ने कमेंट क्यों किया है। लोगों ने उनसे पूछा भी पर कोई रिप्लाई नहीं आया, जिसके बाद लोग ये सोच रहे कि या तो सौरभ जोशी बॉलीवुड के किसी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं या फिर वो किसी एड में इन दोनों के साथ फीचर कर रहे होंगे या फिर सौरभ जोशी ने इन दोनों का एक आर्ट पीस बनाया होगा जिसे वो जल्द ही अपने ब्लॉग में रिवील कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सी अजम्पशन सही निकलती है वो तो वक्त ही बताएगा, पर आप इस कॉल आपके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।